हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, बाहर आ जाओ वरना मारे जाओगे। सीने पे दुश्मनों की गोली न सहेंगे, आजाद थे आजाद है आजाद ही रहेंगे। माँ भारती मुझे माफ करना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। वंदे मातरम। 23 मार्च 1931। भगत सिंह तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। What? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, तुम खुश हो रहे हो? ये एज तो नए नए ड्रीम्स पूरा करने की है। ड्रीम तो मैंने बचपन में ही देख लिए थे जी, ये देख रहे हैं आप। इस मिट्टी को तुम ड्रीम कहते हो? ये मिट्टी जलियांवाले बाग की है और इसमें खून मिला है मेरे देशवासियों का। इस मिट्टी की आजादी ही मेरा लक्ष्य है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से इस देश को आजादी मिल जाएगी? Never. जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की, बस इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये आजादी, ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। भगत सिंह तुम्हारी फांसी में ज्यादा समय नहीं बचा है, कोई आखिरी ख्वाहिश? एनी लास्ट विश? खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। अरे हाँ हाँ हम ठीक हैं। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी भारत भंग सेना कुछ कर भी रही है या नहीं? नोट पे नोट आ रहे हैं, फिर भी ये सरकार अभी तक कैसे चल रही है? ये सिस्टम कैसे चल रहा है? अरे भैया थोड़ा हल्ला गुल्ला मचाओ, थोड़ा किटर पिटर करो। अब आगे ध्यान रखना, दोबारा याद न दिलाना पड़े। हाँ अच्छा चलो फोन रखो अब। अरे चचा परेशान काहे हो, कोनो दिक्कत है का? अरे मत पूछो, ऊपर से बहुत प्रेशर है। और एक बात बताएं, देश की जीडीपी बढ़ती जा रही है और हमारे नेताजी को सन्नाटा पसंद नहीं है। टेंशन ना ही लो चचा, बस इतनी सी बात, वो फिल्म आ रही है ना, जम के उत्पाद मचा देंगे, देश का चक्का जाम करा देंगे। एक तरफ ये युवा जो भारत माता के नाम पर अपनी राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने में लगे, तो वही दूसरी ओर कुछ ऐसे सामाजिक संगठन भी है, उनका मानना है धरा क्या कहेगी गगन क्या कहेगा अगर हम नहीं देश के काम आए। आजाद भगत और श्री राम मत के सपनों का भारत तभी बन सकता है जब स्वच्छता हो, चाहे वो आंतरिक स्वच्छता हो या बाहरी स्वच्छता। आइए सफाई करते हैं, गुरुवर में डूब जाए है अस्तित्व अपना मिटाए। अरे पंडित जी क्या बात है, ज्ञान तो बड़ा अच्छा दे लेते हैं आप। सब गुरुवर की कृपा है। देखो अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं जी। असल बात ये है कि हमारे पार्टी के बड़े नेता जी है ना, उन्हें आपके जैसे योग्य वक्ता की आवश्यकता है। आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, नेम फेम सब कुछ है इसमें भैया। अरे भाई साहब जी, हम नाम के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि काम के लिए काम करते हैं, अपने गुरुवर के लिए काम करते हैं। अरे 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 अरे, अरे पंडित जी डेमो देने की कौन आवश्यकता नहीं है, अरे हम तो पहले से ही बहुत इंप्रेस हैं आपसे। देखिए इसमें गाड़ी है, बंगला है और पैसा तो इतना है कि चार पीढ़ियां आराम से खाएंगी। अरे भौकाल है भौकाल। लगता है गुरुवर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अरे कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हो पंडित जी? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है जो कुछ कर गुजरे उस पर अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचे कि हमारा चिंतन मनोयोग और श्रम कितनी ऊंची भूमिका निभा सका है, कितनी बड़ी छलांग लगा सका है, यही हमारी अग्नि परीक्षा है।
जी हाँ भाई साहब, इसी में हमारे गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व समता को घटने न दें, उसे दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ाते रहें। परम पूज्य गुरुदेव की जय। देशभक्ति सिर्फ भारत माँ की जयकार नहीं, केवल वंदे मातरम की हुंकार नहीं, केवल कट्टरता के नाम पर यह मारकाट जिसमें देश और जलते जज्बात। देशभक्ति तो मिलन सिखाती है, देश के हर व्यक्ति को भाई बनाती है। देशभक्ति फांसी के फंदे को गर्दन का मेल देती है, चट्टान बन हंसकर सीने पर गोली झेल लेती है। देशभक्ति ने श्री राम मत्स सितारा दिया था। देशभक्ति आत्मनिर्माण है।